अब भाई अब वो करें अभी प्रवीण को प्रवीण 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 को अरे ये प्रवीण को लिया नया शादी हुआ शादी मुबारक इसलिए बहुत राजी दीप्ति को भी दीप्ति को भी दो दीप्ति को ज्यादा खिलाओ हाँ ज्यादा खिलाओ थैंक यू चलो वीडियो के लिए अब वीडियो के लिए ना वो वीडियो भाई टिश्यू दे दो वहां से चलो चेक 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 ऑडियो चेक एकदम सेंटर देखूंगा थैंक यू सो मच सभी का घर पे सारे खुश हैं हम सब खुश हैं क्योंकि जो यूनानिमस रिएक्शन आया है राजी को इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस एज अ टीम वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द पीपल हु हैव लव्ड द फिल्म सपोर्टेड इट जाकर देख कर आए हैं अपनी फैमिली के साथ अपने दोस्तों के साथ हमें बहुत अच्छा लग रहा है और बीच में हम वीकेंड पे मैं और आलिया भी गए थे थिएटर्स में उनसे फर्स्ट हैंड रिएक्शन लेने और जो रिएक्शन था वो इतना स्पेशल था हमें इतना अच्छा लगा कि इतनी जो मेहनत से एक फिल्म बनाई है उसने ये रंग यू नो लेकर आई है और लोग जाके देख रहे हैं वीकडेज का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है तो हम सबको एज अ टीम मेरी फैमिली को मुझे पर्सनली बहुत 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 खुशी मिल रही है और ये मेरा राजी ने ये मेरा सबसे फेवरेट बर्थडे बना दिया हाँ जी मैं बस आई थिंक आई फील वेरी हम्बल्ड आई फील वेरी ब्लेस्ड कि ऐसे ऐसा एक भगवान मुझे ऐसा टाइम दिखा रहा है कि बर्थडे भी है और एक फिल्म का फिल्म भी अच्छी कर रही है तो बहुत सारा प्यार भी मिल रहा है और बहुत सारे गुड विशेस मिल रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है सच में मतलब कई बारी मतलब मैं बिना वजह ही स्माइल कर रहा होता हूँ मुझे पता नहीं क्यों पर एक अच्छी सी फीलिंग है और बहुत बहुत प्यारी फीलिंग है ये मुझे एक्चुअली जैसे ना रिलीज़ से पहले मुझे लोग पूछे थे कि आपको कोई एप्रिहेंशन तो नहीं है पाकिस्तानी किरदार प्ले करने में और रिलीज़ के बाद वो कह रहे हैं कि थैंक यू आपने इकबाल प्ले किया तो वो जो फ़र्क आ गया ना एक लाइन में कि वो मुझे उस कैरेक्टर को पाकिस्तानी की तरह देखना ही बंद कर दिया यू नो दे सो हिम एज अ ह्यूमन बींग और वो हमारी कोशिश थी जब हम ये फिल्म बना रहे थे कि इकबाल को इकबाल की तरह देखें या हर उस पाकिस्तानी किरदार को उस किरदार की तरह देखें तो वो मुझे लगा कि लोगों ने वही लिया यू नो वो बॉर्डर्स पे फंसे नहीं रहे कि बॉर्डर उस पार पाकिस्तानी है तो हमें एक तरीके से फील करना चाहिए तो वो बड़ा अच्छा लगा हमें नहीं इन अ वे बिल्कुल हुआ है बिकॉज देखिए इससे पहले जो फिल्में हुई हैं आई हैव बीन वेरी लकी टू बी ए पार्ट ऑफ सम अमेजिंग फिल्म्स जो बहुत काबिल डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट की हैं जिससे मुझे बहुत क्रेडिबिलिटी मिली क्रिटिक्स से लोगों से पर अनफॉर्चुनेटली बॉक्स ऑफिस पे वो इतना नहीं कर पाई थी उनको तो राजी ये पहली फिल्म हुई मेरी जिसमें क्रिटिक्स से भी रिस्पॉन्स अच्छा मिला है लोगों से भी अच्छा मिला और बॉक्स ऑफिस पर भी बहुत अच्छा कर रही है तो एक ये नया एहसास है और बहुत खूबसूरत एहसास है ये मैं आलिया को बता दूंगा कि आपने कहा था वो नॉटी हैं केमिस्ट्री अच्छी रही वो बहुत ही प्यारी ह्यूमन बीइंग है
एंड जो आप कह रहे हैं मतलब वो बहुत रियल है एज अ ह्यूमन बीइंग ना, उनमें कुछ भी बनावटी नहीं है, और वो बड़ा अच्छा लगता है जब आपके पास कोई मतलब आपको ऐसे किसी इंसान के साथ काम करने का मौका मिलता है जो बहुत रियल हो ना, तो फिर वो आइस ब्रेक करने का मौका चाहिए नहीं होता, आप पहले से ही एक नोट हिट हो जाता है और फिर वो काम में आपके दिख जाता है, तो वो अच्छा लग रहा है कि लोगों को भी वो केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन पसंद आ रही है इकबाल और सहमत की, और क्योंकि इकबाल और सहमत के सीन्स ऐसे हैं कि ज़्यादा बोला नहीं जा रहा उन दोनों के बीच में, काफ़ी साइलेंस के मोमेंट्स हैं, पर फिर भी अगर वो उनको फील हो रहा है तो वो अच्छी बात है। मुझमें बचपना है आलिया में, आलिया में हाँ एक बचपना है, पर वो बहुत शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट, पर एक बचपना जो है जो आई थिंक वो हर इंसान में हमेशा रहनी चाहिए, वो वाला एक ब्यूटीफुल सा बचपना है उनमें, वो बहुत इम्पल्सिव है, स्पॉन्टेनियस है। सबसे स्पेशल बर्थडे रहा है जैसे पिक्चर भी ऊपर हिट है और आपका आज बर्थडे भी है, हाँ जी, इससे पहले कभी कोई स्पेशल बर्थडे या स्पेशल गिफ्ट मिला हो आपको जो याद हो, और लड़कियों के तो मैसेज आ ही रहे होंगे अभी आपको कुछ बताना चाहेंगे? देखिए बर्थडे मुझे हर बर्थडे स्पेशल लगता है अपना, मुझे अच्छा लगता है, और सबसे प्यारी चीज़ मुझे ये लगती है कि जब भी बर्थडे होता है जैसे कल रात को भी जो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का कुछ मौका मिलता है ना, उनके जो ब्लेसिंग्स मिलते हैं अपने माँ बाप के, और आज जब ये टाइम दिखा पा रहा हूँ उनको कि फिल्में चल रही हैं तो उनके भी वो आँखों में वो खुशी है, वो प्राइड देखने को मिलता है, तो वो अच्छा लगता है कि आप ये टाइम अपने माँ बाप को दिखा रहे हो, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। बाकी बर्थडेज हर एक ही स्पेशल रहते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है बर्थडेज क्योंकि बहुत सारा प्यार मिलता है एक ही दिन में, और अच्छा लगता है, यू जस्ट फील वेरी हैप्पी। आलिया ने आपको मिस किया? हाँ जी किया। हाँ जी आलिया के बारे में बात करें, आलिया साथ में आने वाली बर्थडे के लिए क्या? हम शाम को मिलने वाले हैं, पूरी राजी टीम इकट्ठे होने वाली है, एंड फिर से आपके साथ ही रूबरू होने वाले हैं शाम को, तो वी रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट टाइम, एंड हाँ जी विश किया। नहीं घर वाले नाराज बिल्कुल नहीं है, घर वाले खुश हैं, कल रात को मैं अपने फैमिली के साथ ही था, छोटा सा प्यारा सा टाइम उनके साथ केक काटा, मेरी माँ थी, मेरा भाई है, पापा शूटिंग कर रहे हैं देहरादून में, पर माँ और भाई के साथ था और प्यारा सा टाइम था। हाँ जी मेरा ना सच बात बताऊँ मेरा हर बर्थडे पे विश थोड़ा सा सिमिलर ही होता है, क्योंकि मेरे लिए ना सबसे मेरा सबसे खूबसूरत जिसको मैं पैराडाइज कहूँ ना वो एक फिल्म सेट होता है, तो मेरा एक ही विश होता है कि मैं साल में जितने दिन हो सके ना मैं एक फिल्म सेट पे बिताऊँ, तो ये मेरा हमेशा भगवान से विश होता है कि भगवान मेरे ना साल में जितना हो सके ना मुझे फिल्म सेट पे बिताना, घर पे मत रखना, मुझे फिल्म सेट पे बिताना, तो मेरा यही विश है कि मैं जितना हो सके एक फिल्म सेट पे काम कर रहा हूँ। देखिए ये तो मैं अपनी हर फिल्म के साथ वो मैं मानना चाहूँगा कि यार ये शायद ये टर्निंग पॉइंट हो जाए, ये टर्निंग पॉइंट हो जाए, पर जिस फिल्म के साथ भी हो जाए जो ऊपर वाले को मंजूर है वो हो जाए, पर राजी के साथ ऑफकोर्स ये हुआ है, लोगों का उतना प्यार मिला है, ज़्यादा नोटिस में आया हूँ, ज़्यादा मतलब लोग नोटिस कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल हुआ है, एंड करण धर्मा दे लाइक फैमिली टू मी, उनसे बहुत प्यार मिला है मुझे, उनका भरोसा मेरे ऊपर मेरे लिए बहुत मायने रखता है, और मतलब जब 3 साल पहले जब पहली फिल्म आई थी तब यही डायरेक्टर्स थे प्रोड्यूसर्स थे जिनके साथ मैं मिलना चाहता था, काम करना चाहता था, और इनकी फिल्में देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ। कभी खुशी कभी गम मेरी ऑल टाइम वन ऑफ दी ऑल टाइम फेवरेट फिल्म्स है, और स्पेशली धर्मा की ऑल टाइम फेवरेट फिल्म है मेरी कभी खुशी कभी गम, वो जब भी लगती है मैं पूरी देखता हूँ, तो आज जब मैं उनके साथ मिलने का मौका मिलता है, उनकी फिल्म का एक हिस्सा बनने का मौका मिलता है, तो मुझे बड़ा सरियल सा फील होता है, अच्छा फील होता है। तो हाँ जी, तो उरी हमारी टूवर्ड्स दी एंड ऑफ दिस मंथ हमारी शूटिंग शुरू हो जाएगी, तो उसकी अभी इसके बाद मेरी वर्कशॉप है 4 घंटे की, तो वहीं जाना है मुझे, और उसके अलावा फिजिकल ट्रेनिंग चल रही है क्योंकि कमांडो का रोल प्ले करना है, बहुत सारा एक्शन है, मेरी पहली एक्शन फिल्म है, आउट एंड आउट एक्शन फिल्म है जिसमें अराउंड 70% ऑफ द फिल्म एक्शन है, वेट भी गेन किया है और करना है, और मुझसे वेट ही नहीं गेन होता, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है मुझसे वेट ही नहीं गेन होता, जिससे सब लोग बहुत नाराज होते हैं कि ये भी कोई प्रॉब्लम हुई कि वेट नहीं गेन होता, पर हाँ उसके लिए फिजिकल ट्रेनिंग भी चल रही है टाउन में जो नेवल बेस है मिलिट्री वालों के साथ, मिलिट्री वाले ही हमें ट्रेन कर रहे हैं और वेट ट्रेनिंग चल रही है, और बॉडी पे भी ये पहली बार कुछ हो रहा है जिसमें मैं फिजिकली ध्यान दे रहा हूँ, तो अच्छा प्रोसेस है, थोड़ा रिगरस है पर अच्छा है।
आओ रेस 3 के बारे में बात करें। देखा? मैंने ट्रेलर कल शाम को देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। एक्शन आई थिंक इतना माइंड ब्लोइंग एक्शन उस फिल्म में है, और मतलब इट्स वेरी थ्रिलिंग जो ट्रेलर था, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू वॉचिंग दैट फिल्म दिस ईद। I think pressure is a good thing. It's not a bad thing because वो pressure see आपको आपको अगर आपके काम की तारीफ हुई है, आपके काम को accept किया है, तभी लोग आपसे आशा करेंगे और वो आशा बढ़ती जानी चाहिए। You know मेरा वो quest है as an actor कि मैं हर film से उनका जो वो जो pressure की आप बात कर रहे हैं, जो उनके expectations है, उसका बार मैं ऊपर करता जाऊँ कि अगर उनका बार अभी ये है एक्सपेक्टेशन का, तो मैं अगली फिल्म से यहाँ लेकर जाऊँ। तो आई थिंक वो अगर वो प्रेशर रहेगा तो मेरा भी काम और बेहतर निकलेगा। सो आई टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे कि वो प्रेशर बना रहे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लोगों को पड़ी नहीं है कि अच्छा ठीक है जो भी करके जाएगा ठीक है। एक्सपेक्टेशंस हैं, प्रेशर है, मतलब दे केयर फॉर व्हाट यू आर डूइंग, तो वो बड़ी अच्छी बात है, इट्स अ पॉजिटिव फीलिंग। तो वो आई लुक फॉरवर्ड कि मैं हर फिल्म से थोड़ा सा वो प्रेशर थोड़ा बढ़ाता जाऊँ अपने लिए। देखिए पहली बात तो ये कि मैं अगर मगर किंतु परंतु में जीता ही नहीं हूँ, ठीक है। वो व्हाट इफ में मैं ज़्यादा जीता नहीं हूँ, पर अगर हो जाए तो यू हैव टू एक्सेप्ट कि ये पार्ट एंड पार्सल है। सक्सेस को भी ज़्यादा सीरियसली लेना नहीं चाहिए, ना ही फेलियर को लेना चाहिए। मेरा काम है काम करना, मेरा काम है एक्शन और कट के बीच में अपनी एक्टिंग करना, मेरा फोकस वहीं रहेगा। तो उसके आगे क्या होता है, उसके पीछे क्या होता है, मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता। जैसा डेस्टिनी और कर्मा में बहुत बिलीव करता हूँ, जैसा चलता जाएगा वैसे चलता जाएगा। हाँ जी हाँ जी, मुझे एक्चुअली मसान के वक्त उन्होंने पापा को मैसेज किया था, और बहुत प्यारा मैसेज किया था। और मुझे याद है रात को जब पापा ने मुझे वो मैसेज फॉरवर्ड किया था कि ये बच्चन साहब ने भेजा है तुम्हारे लिए, तो मुझे वो पूरी रात नींद ही नहीं आई थी। मैं यही सोच रहा था कि अच्छा ये इतना बड़ा मैसेज है, ये मैसेज लिखने के लिए कम से कम 1.5 मिनट लगे होंगे। तो मैं यही सोच रहा था कि बच्चन साहब ने अपनी ज़िंदगी में 1.5 मिनट निकाले मेरे लिए। तो मैं वही सोच सोच के मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो बट बच्चन साहब इज़ ऑलवेज एन इंस्पिरेशन। मैं हमेशा कहता हूँ कि यू नो कि अभी वो इस उम्र में जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना लगन से और जितनी सिंसेरिटी से काम कर रहे हैं, इट्स सच अ बिग इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस, यू नो। एंड मतलब लाइक आई सेड बिफोर ऑल्सो, उनकी फिल्में देख के बड़े हुए हैं, इंस्पायर। और कहीं ना कहीं अगर मैं आज एक्टर हूँ या एक्टर बनने की इच्छा कभी हुई है, तो वो शायद उनकी वजह से है कि कभी उनकी फिल्में देख के, उनके किरदार देख के मैं इतना था कि अरे यार काश कभी ऐसा कुछ मुझे करने का मौका मिले। तो उनको तो चरण स्पर्श है हमेशा। सर उरी की शूटिंग शुरू होने वाली है अभी, जो अगले 2-2.5 महीने तक चलेगी। और उसके अलावा जो आने वाली फिल्में हैं वो 29 जून को संजू आ रही है हिरानी सर की, फिर 7 सितंबर को मनमर्जियाँ आ रही है अनुराग सर की, और उस बीच एक और नेटफ्लिक्स फिल्म आ रही है जो रॉनी स्क्रूवाला जी ने प्रोड्यूस की है, उसका नाम है लस्ट स्टोरीज। उसमें करण जौहर जी के साथ काम करने का मौका मिला। तो ये फिल्में हैं जो आ रही हैं, और उरी अगले साल आएगी। संजू मैं बस ये कहूँगा बहुत स्पेशल फिल्म है, एक बहुत स्पेशल इंसान के बारे में, और एक बहुत स्पेशल इंसान ने बनाई भी है ये फिल्म। तो ऐसी फिल्म का हिस्सा होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कुछ फिल्मों का हिस्सा होने से आपको लगता है कि यू नो सपना एक छोटा सा सपना सच हुआ। तो संजू उनमें से एक है, और बहुत मतलब मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा, बट ट्रेलर भी अभी जल्दी आने वाला है टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ। तो ट्रेलर के बाद मैं और खुल के बात कर पाऊँगा। बर्थडे रेजोल्यूशन, आई थिंक माय बर्थडे रेजोल्यूशन विल जस्ट बी टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ माय सेल्फ एवरी डे। जो मैं कल था उससे थोड़ा और बेहतर हो जाऊं आज, और आज जो हूं उससे थोड़ा और बेहतर हो जाऊं कल। तो ये मेरी हमेशा रेजोल्यूशन रहेगी। सो या बदलते वक्त के साथ देखिए जो लगभग सेम ही रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि ज़्यादा बदलाव आ जाता है। व्हाट्सएप पे ज़्यादा मैसेजेस आने लग गए तो वो होने लग गया। बट उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी, जैसे आपके परिवार वाले, आपके जो नज़दीकी दोस्त हैं उनके साथ आप वो इंटैक्ट रहे सब कुछ, तो आपकी वो ज़िंदगी सेम ही लगती है आपको, और वो वैसी ही रहनी चाहिए, यू नो। तो आपका एक ग्राउंड ज़ीरो एक होना चाहिए कि ये मेरा ग्राउंड ज़ीरो है, जहाँ से आपने शुरुआत की थी वो आप कभी, आपको कभी भूलना नहीं चाहिए। तो वो हमेशा कोशिश रहेगी। एंड बर्थडेज
मतलब खुशी का मौका होता है, और जितनी विशेस होती हैं आपको अच्छा लगता है कि यू नो कि लोग इतना प्यार दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सेम भी है पर बदलाव भी आ रहा है, पर अच्छा बदलाव आ रहा है। अच्छा तो ये बर्थडे अगर कोई आपको बुरी आदत छोड़नी होगी तो आपकी कौन सी बुरी आदत आप ये बर्थडे छोड़ना चाहोगे? मैं अगर एक बुरी आदत मुझे छोड़नी है तो देखिए, मेरा कमरे में आप जब घुसोगे ना तो मेरा कमरा एक ऐसा लगता है कि उस कमरे में ब्लास्ट हुआ है अभी। मेरा कमरा हमेशा इतना अनटाइडी रहता है, मैं आपको बता नहीं सकता, मेरी माँ पूरा थीसिस दे सकती है उस पर। तो मैं हाँ, वो एक बदलाव बिल्कुल लेके आना चाहूँगा कि जब आप कमरे में घुसे तो कमरा लगे, ना कि एक ब्लास्ट वाला साइट लगे। तो वो एक थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होना चाहूँगा। और हाँ, मुझे तो आपने मेरी माँ की याद दिला दी। मेरी माँ ने भी कहा कि अरे बेटा 30 के हो गए हो, एनी मैरिज प्लान्स? नहीं अभी तक नहीं है, अभी तक नहीं है, पर जब भी होगा माँ के बाद मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और मैं सबसे कहना चाहता हूँ, सच में जैसे मैंने आपको कहा, ये मेरा पहली दफ़ा है कि मैं आपके सबके साथ स्पेंड कर रहा हूँ। कल मैंने अपनी माँ के साथ केक काटा है और उसके बाद सीधे आपके साथ केक काटा है। थैंक यू सो मच, आपका होना मेरी जर्नी में एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा रहा है। थैंक यू सो सो मच सारे प्यार के लिए, सारे सपोर्ट के लिए, और बहुत बड़ी झपकी सबको। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, कौन सा फ्लेवर चाहिए? केक्स ऑलरेडी काट के बाहर रख दिए। सर थोड़ा उंगली से कटिंग कीजिए ना। अरे कीजिए ना, कीजिए, खाली एक्शन कीजिए, ऊपर ऊपर रखिए। हां ऐसे ही करते हैं। या नाइस, चलो थैंक यू, थैंक यू। एक एक थैंक यू थैंक यू थैंक यू।